नाजरीन, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नया इंतखाबी वादा किया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि रियासत में सरकार बनी तो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। कांग्रेस के इस वादे पर बीजेपी अब चुटकी ले रही है। यूपी में कांग्रेस का नया वोट कार्ड। अब स्मार्टफोन और ई स्कूटी वाला दाव। प्रियंका के वादे पर बीजेपी का वार। यूपी असेंबली इंतखाब में 40% सीटों पर खवातीन को टिकट देने के वादे के बाद कांग्रेस ने नया इंतखाबी दाव चला है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर यूपी की लड़कियों को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर देने का वादा किया। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है, वो कुछ तालिबान से मिली, उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ने और सिक्योरिटी के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। प्रियंका ने आगे लिखा कि कांग्रेस ऐलान समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने फैसला लिया है कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। प्रियंका गांधी के इस वादे को यूपी सरकार के वजीर मोहसिन रजा ने आड़े हाथ लिया। मोहसिन रजा ने कहा है कि प्रियंका गांधी को कम से कम ये तो यकीन हो गया है कि यूपी में भरपूर मिकदार में बिजली बन रही है और इसीलिए वो इलेक्ट्रिक स्कूटी देने की बात कर रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटी की बात उन्होंने की तो कम से कम प्रियंका वाड्रा जी ने यह तो मान लिया कि उत्तर प्रदेश में बिजली बहुत अच्छी आती है। अगर हम कहते हैं कि 24 घंटे हम जिला मुख्यालय पर और 18 घंटे तहसील और नीचे के स्तर पर 22 घंटे दे रहे हैं तो ये बात को उन्होंने प्रमाणित किया है, हम उनका धन्यवाद करेंगे। और ये जो बातें उन्होंने कही है कि हम ये देंगे वो देंगे, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। जब देने का समय था तब तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, तब लूटने का काम किया है। तो कांग्रेस से सब लोग सचेत हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में हम गांव, गरीब, किसान, महिला सम्मान, नारी गरिमा और जो योजनाएं हमने बनाई हैं उनसे आच्छादित हो रहे हैं प्रदेश के लोग, इसलिए अब ये छलावे में कांग्रेस के आने वाले नहीं। इस बार यूपी इंतखाब से पहले प्रियंका गांधी खासी एक्टिव हो गयी है। यूपी कांग्रेस के लीडरान के लिए ये उम्मीद की एक नई किरण की तरह है, लेकिन कांग्रेस मुखालिफिन प्रियंका गांधी पर सियाहत पॉलिटिक्स के इल्जाम लगाते रहे हैं। यूपी इलेक्शन में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन तब तक प्रियंका गांधी वाड्रा अपने जज्बों को बनाए रख पाएंगी? पुराने रिकॉर्ड को देखकर ऑपोजिशन ही नहीं आवाम के मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।